Hello everyone, I am Shivangi Gupta. Welcome to Mathematics by Shivi. In this video, I will discuss rank of matrix by echelon form. Before watching my video, please don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more updates. So let's start our topic. Rank of matrix, method number 4, echelon form. मैं method number 1, 2, 3 by definition, by normal form, बाय पी ए क्यू फॉर्म आप लोगों को ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ. इस वीडियो को देखने से पहले मेरी ये तीनों वीडियोस देखना ना भूलें. तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय इकलन फॉर्म. देखिए इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है. नॉर्मल फॉर्म एंड पी ए क्यू फॉर्म में हम रो और कॉलम दोनों ही चीज़ें अप्लाई करते हैं, बट इन इकलन फॉर्म वी अप्लाई ओनली रो ऑपरेशन. यहाँ पर हम कॉलम का यूज़ नहीं करेंगे, वी विल अप्लाई ओनली रो ऑपरेशन. ठीक है. रिड्यूस मैट्रिक्स टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. देखिए वहाँ पर हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. वहाँ पर हम तब तक अपने रो और कॉलम की प्रॉपर्टीज़ लगाते चले जाते हैं जब तक लास्ट में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन जाता. ये कंडीशन कहाँ के लिए, नॉर्मल फॉर्म के लिए भी और पी ए क्यू फॉर्म के लिए भी. लेकिन अगर मैं बात करूँ इकलन फॉर्म की, इकलन फॉर्म हम तब तक अपने मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे जब तक हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बन जाता. अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है तो उसकी बात कर लेते हैं. देखिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना सिखा चुकी हूँ मैट्रिक्स की फर्स्ट वीडियो में ही, जहाँ पर मैंने आपको मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज सिखाई थी. एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं. सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट है 1, ये हो गए 0 0 और ये भी 0, 2 3 4 0 0 0 2 1 6 4 1 0 2. देखिए तो अगर मैं बात करूँ ये क्या है, इसका डायगनल है और डायगनल के नीचे ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे ट्रायंगुलर शेप में क्या है, हमारे ज़ीरो आ रहे हैं. ठीक है. तो ऐसे मैट्रिक्स जिनका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ज़ीरो होता है दैट इज़ कॉल्ड इकलन फॉर्म. ठीक है. तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करने लगूँ, अब आप कहेंगे मैम ये तो नीचे की साइड आ रहा है फिर आप इसे अपर क्यों कह रहे हो. ये मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि अगर यहाँ पर डायगनल के ऊपर वाले एलिमेंट ज़ीरो होते हैं दैट इज़ कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है. लेकिन अगर डायगनल के नीचे वाले एलिमेंट ज़ीरो होते हैं ट्रायंगुलर शेप में दैट इज़ कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है. कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज. देखिए वहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है दैट इज़ कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है. जितनी भी हमारी आइडेंटिटी आती है, चाहे वो हमारी 3x3 में आए या 2x2 में आए, दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और रैंक ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है. वो उसके ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करती है. लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर डिपेंड करती है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज. यहां पर जितनी हमारी नॉन जीरो रोज होंगी वही उसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है. ठीक है. तो चलिए अब इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं क्वेश्चन के जरिए. तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को. एग्जाम्पल में हमें बोला गया है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय इकलिन फॉर्म. यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है. मैट्रिक्स कैसा दिया है हमें, यहाँ पर 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है. ठीक है. तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3. ठीक है. तो इसकी रैंक क्या है, इसकी रैंक है स्मॉलर देन 3. ठीक है. अब मैं यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊंगी. एलिमेंट्री ऑपरेशन कब तक लगाऊंगी, जब तक मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं मिल जाते हैं. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना. मैं यहाँ पर केवल रो को ही अप्लाई, रो ऑपरेशन को ही अप्लाई कर सकती हूँ. तो मैंने यहाँ पर रो ऑपरेशन अप्लाई किया. फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे. हमें सेकेंड कंडीशन क्या होगी कि जो मेरे यहाँ पर 2 और 3 गिविन है मैं इसको 0 में कन्वर्ट कर दूँ. तो 0 में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, R2 इक्वल्स टू हो जाएगा R2 - 2R1 और यहाँ पे R3 इक्वल्स टू हो जाएगा R3 - 3R1. ठीक है. तो जब मैंने यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज लगाई तो मेरे पास ये दोनों के दोनों ऑपरेशन एलिमेंट्स यहाँ पर क्या बन गए, मेरे पास 0 बन गए. ठीक है. अब मुझे ट्रायंगुलर शेप में 0 बनाना है तो मैं क्या करूँगी, अब मुझे इस -1 को भी 0 बनाना है. इस -1 को 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, R3 - R2. ठीक है. जब मैंने R3 - R2 किया तो मेरे पास ये 0 बन गया और ये
ये भी ज़ीरो बन गया। ठीक है, तो अगर मैं बात करने लगूँ 3×3 मैट्रिक्स की और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो 3×3 मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस तरह से बनेगा? सपोज़ मेरे पास ये 1×2×3 एलिमेंट है और यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। मैंने अपनी साइड से कुछ भी एक मैट्रिक्स यहाँ पर लेट कर लिया है एक्सप्लेन करने के लिए आपको। अगर मैं इसमें बात करने लगूँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, दैट इज़ डायगनल, डायगनल के नीचे जो मेरे ये एलिमेंट्स हैं ये क्या होने चाहिए? मेरे 0 होने चाहिए। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आऊँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेरे ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स कैसे हो गए हैं? ज़ीरो में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ही हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मेरे पास ये 3 रोज़ हैं और अगर मैं नॉन ज़ीरो रोज़ की बात करूँ तो ये वाली रो मेरी नॉन ज़ीरो, ये पूरी की पूरी रो मेरी ज़ीरो में कन्वर्ट हो चुकी है, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी बची? 2 बची। तो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है हमारे पास? 2। तो रैंक इसकी क्या हो जाएगी? हमारे पास 2 हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा एक प्लेन फॉर्म हमारी नॉर्मल फॉर्म और पी ए क्यू फॉर्म से डिफरेंट है, उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है क्योंकि वहाँ पर हम रो ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक प्लेन में केवल हम रो ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमें लास्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक उसको तोड़ते हैं, यहाँ पर हम इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तक बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करने लगूं, मेरे पास यहां पर है 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए इज 3×4, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? स्मॉलर देन हो जाएगी किससे? 3 से। अगर मैं अब यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाती हूँ, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए मुझे ये एलिमेंट चाहिए 1, 1 ऑलरेडी है, मुझे 3 और 2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 में 0 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने प्रॉपर्टी लगाई R2 tends to R2 minus 3 1 एंड R3 tends to R3 minus 2 R1। ठीक है, तो जब मैं ये प्रॉपर्टी लगाती हूँ तो यहाँ पर मेरे दोनों एलिमेंट्स कैसे बन जाते हैं? 0 बन जाते हैं। अब मुझे क्या 0 बनाना है? मुझे यहाँ पर इस 1 को भी 0 बनाना है, इस 1 को 0 बनाने के लिए, और इस 2 को भी 0 बनाना है। इस 2 को भी 0 बनाने के लिए मैं यहाँ पर सॉरी इस 1 को ही 0 बनाना है। अगर मुझे इस 1 को 0 बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी? प्रॉपर्टी R3 tends to R3 minus R2। तो जब मैंने ऐसा किया तो मेरा यहाँ पर डायगनल के नीचे के तीनों एलिमेंट्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या बन गए? 0 बन गए। ठीक है, अब बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है मेरी? यहाँ पर 3 हो गई है। ठीक है, तो मेरी यहाँ पर रैंक कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप बाय इक्विलन फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स का रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको अपनी 4 वीडियोस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स चारों मेथड से निकालना सिखा दिया है। आई होप आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद योर कम्युनिटी, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड कमेंट इट, एंड also don't forget to press bell icon for more updates. Bye bye. I will meet you in my next video.